नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अम्बाला के बलदेवनगर इलाके में रात कुट्टू के आटे को इस्तेमाल करने के बाद जो 12 से 13 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी उनका आंकड़ा अब 30 से 35 जा पहुंचा है। और इसी आंकड़े के बाद अम्बाला का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और अब अलग अलग दुकानों से सैंपलिंग जो है आटे की वो शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब व्रत से पहले स्वास्थ्य विभाग चेतावनी जरूर जारी कर रहा था कि कुट्टू का आटे का इस्तेमाल जो है वो लोग ना करें, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और बलदेवनगर इलाके से 30 से 35 लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं और तबीयत बिगड़ने के जो मामले हैं वो सामने हैं। रात भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से 12 से 13 लोग जो हैं वो बलदेवनगर के इलाके में एक निजी अस्पताल में गए थे और उसके बाद सुबह होने तक ये जो आंकड़ा है वो 30 से 35 पर जा पहुंचा है। और अब स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में जो सैंपल हैं आटे के वो लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि सैंपल के बाद जो है क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि जो सैंपलिंग की रिपोर्ट है वो 10 से 15 दिन बाद सामने आएगी और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही चेतावनी जो है वो दे रहा था। फिलहाल क्या कुछ इन लोगों की जिनकी तबीयत बिगड़ी थी उनकी क्या कुछ हालत है, क्या कुछ इलाज उनका किया गया है और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है वो जानने के लिए हमने बातचीत की थी डॉक्टर राजेंद्र राय से। उनका क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। सर, कुत्तों के आटे के इस्तेमाल से कितने लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया और क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये अभी CMO साहब ना मीटिंग में गए हैं तो मैं डॉक्टर राजेंद्र आपको मीडिया ब्रीफिंग करता हूँ। तो ये हमें रात में ही सूचना मिल गई थी तो हमारी टीम रात से ही लगी हुई है और यहाँ जैसे हमें पता चला कि लगभग 35 से केस थे तो वो प्राइवेट डॉक्टर एक उनके पास चले गए थे और ये टोटल हमारे पास जो 7 फैमिलीज़ का पता चला है तो 7 फैमिलीज ये है। तो इसमें से 5 तो बलदेवनगर की हैं, एक राजविहार की है और एक है सुभाष नगर की। तो इनमें से जो 6 फैमिलीज़ हैं ये तो प्राइवेट डॉक्टर के पास चली गई थी और एक फैमिली है वो सीधी हमारे सिविल अस्पताल पहुंच गई थी। उसमें से एक लेडी है उसको थोड़े बहुत चक्कर हैं, बाकी सब और वहाँ से सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं और सारे स्टेबल हैं पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, वहाँ बलदेवनगर में लगभग 20-25 दुकानें हैं जो ये कुट्टू के आटा बेचते हैं जो हमें पता चला है और हमारी टीमें लगी हुई हैं, 3 टीमें लगी हुई हैं वहाँ। और इसमें जो मेन बात, हमने अभी तक 7 दुकानों से वहाँ सैंपल ले चुके हैं और बाकी अभी कार्रवाई जारी है। इस मामले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाजारों में जाकर दुकानों से कुट्टू के आटे के साथ साथ अन्य जो व्रत की सामग्री है उसकी सैंपलिंग में जुट गई है और उसको लेकर हमने सैंपलिंग में जुटे हुए डॉक्टरों से भी बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है एक बार वो भी सुन लीजिए। ऐसा है जी, हमें कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुट्टू के आटे खाने से दर्जन भर लोग बीमार हुए हैं और सिविल अस्पताल भर्ती हुए हैं। उनमें उनकी अभी तबीयत ठीक बताई जा रही है, कोई ऐसी गंभीर दिक्कत नहीं है। बट एज़ पर हम यहाँ पे रात को भी आए थे बट रात होने के कारण दुकान भी बंद थी, जो कि दुकान एक घर में है, पर एज़ पर रूल उसका हम नोटिस भी दे रहे हैं, इनको लाइसेंस नहीं है इनके पास, उसका नोटिस दे रहे हैं। और जो कार्रवाई हमने सैंपल ले लिए हैं और उनको लैब में प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, जैसे ही 15 से 20 दिन के बीच में सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है और आगामी कार्रवाई उसी के बेस पे होगी। सर, क्या कुछ इसी दुकान पे कार्रवाई होगी या फिर इन्होंने जहाँ से परचेज किया है जो सामान? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जहाँ से इन्होंने लिया है वहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस नहीं है उसके ऊपर क्या कार्रवाई? उसका हमने इनको नोटिस दे दिया है और उसके लिए अप्लाई करेंगे, 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन में नोटिस का जवाब लाइसेंस नहीं बनाते ये तो कोर्ट में केस दायर करेंगे। 30 से 35 लोगों के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को दुकानों पर जाकर जो सैंपलिंग है वो करने की याद आई है। वहीं अम्बाला के CMO जो हैं वो 2 से 3 दिन पहले ही ये चेतावनी जरूर जाहिर कर चुके थे कि कुट्टू के आटे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर आप चेतावनी जारी कर रहे थे तो आपने कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगाई और या फिर जो सैंपलिंग है वो पहले क्यों नहीं की ताकि समय रहते लोगों को इससे बचाया जा सकता था। फिलहाल क्या कुछ सैंपलों की रिपोर्ट आएगी वो भी आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।